नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एमपी ऑनलाइन के बारे में बताना चाहता हूँ कि एमपी ऑनलाइन के कियोस्क आईडी लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आप घर बैठे एमपी ऑनलाइन के कियोस्क आईडी कैसे ले सकते हैं। आप अपने ही सिस्टम ऑनलाइन घर बैठे लैपटॉप हो डेस्कटॉप हो किसी भी तरीके से आप अपना कियोस्क आईडी ले सकते हैं। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो हम आप तक जल्द पहुंचा सकें। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गूगल पे सबसे पहले एमपी ऑनलाइन आप लिखते हैं। दोस्तों एमपी ऑनलाइन लिख दिए। जैसे एमपी ऑनलाइन आप लिख देते हैं, ऊपर वाले ऑप्शन पर अपन क्लिक करेंगे एमपी ऑनलाइन लिमिटेड। एमपी ऑनलाइन लिमिटेड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया बॉक्स ओपन होगा, जिसमें कियोस्क अब्लिक नागरिक हेतु लिखा हुआ है, उस पर अपन क्लिक कर देते हैं। ये दोस्तों क्लिक हो रहा है, देख लीजिएगा। आप भी उसी प्रकार कीजिएगा जैसा हम कर रहे हैं। ऊपर वाले ऑप्शन पर कियोस्क हेतु पंजीयन पर अपन क्लिक कर देते हैं। दोस्तों कर्सर को धीरे धीरे नीचे की ओर अपन ले जाते हैं। आप भी उसी प्रकार कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए नीचे आ गया दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं। इस पर दोस्तों ये लिखा हुआ है कि आपको आवेदन कियोस्क आईडी लेने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आयु क्या होनी चाहिए, एड्रेस प्रूफ के लिए आपको क्या लगेगा, आईडी प्रूफ के लिए क्या लगेगा, इस सभी के बारे में जानकारी दी हुई है। आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आप शुल्क के बारे में जानकारी दी हुई है कि आपका शुल्क कितना लगेगा, शहरी क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना लगेगा, ये सभी के बारे में जानकारी दी हुई है। 500 की स्टाम्प बनाकर दोस्तों इसमें अपलोड भी करना पड़ता है। इसमें दोस्तों आपके कियोस्क आईडी के लिए आपको किन किन क्या शर्तें रहेंगी तभी आपको मिलेगी। चलिए हम फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर देख लीजिए दोस्तों, अगर हिंदी से आपको देखना हो कि क्या लिखा है तो हिंदी से आप भर सकते हैं, इंग्लिश चाहे इंग्लिश से, दोनों ये सिस्टम अवेलेबल है दोस्तों। बाकी सब चीज़ लिखा हुआ है, आप देखकर भर लीजिएगा। हमारा स्टेट एमपी लगता है, संभाग रीवा लगता है, जिला सतना, तहसील रघुराम नगर, शहरी हैं दोस्तों इसलिए शहर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रेसिडेंट एड्रेस, उसमें पूरा एड्रेस पद भरना पड़ेगा, वो एड्रेस आप भरिएगा जो आपके घर का पता का होगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कियो जो कियोस्क की आईडी वेरीफाइड करते हैं वो संभवतः कभी कभार इंक्वायरी के लिए भी आ जाते हैं, जिससे कि आपको घर या शॉप दुकान देख ढूंढने में आसानी हो। ऊपर वाले में दोस्तों शॉप वाले में उसमें देखिए शॉप ऑफिस नेम दुकान का नाम डालना है। आपकी दुकान कौन सी स्टेट में है देख लीजिएगा। हमारा मध्य प्रदेश, संभाग रीवा, जिला सतना, तहसील रघुराम नगर, शहरी क्षेत्र में आते हैं। आपका जो भी लगता है वही आप कीजिएगा, हम आपको बताने के लिए बस कर रहे हैं। दुकान का पूरा पता लिखिएगा कि आपकी दुकान कहाँ है, जिससे कि लोकेशन ढूंढने में आसानी हो जो कियोस्क का वेरीफाइड करते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए या टेलीफोन बिल देख लीजिएगा, जो आपके पास अवेलेबल हो, या किराया नामा होना चाहिए। इसमें आपकी दुकान काहे की दुकान है आपकी, कंप्यूटर की ही, पैसे निकालने की, अदर इसमें ऑप्शन दी हुई है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे वाले में यह दिया कि आपके पास सिस्टम कितने हैं, स्कैनर, बैटरी बैकअप है, ब्रॉडबैंड है, आपके पास क्या क्या चीज़ है, सभी चीज़ों को अपन भरना पड़ता अनिवार्य रूप से। अगर आप नहीं भरेंगे तो कियोस्क आईडी अपने को नहीं मिल पाती है। इमेज में दोस्तों सबसे पहले ऊपर अपन फोटो पर क्लिक करते हैं।
अपनी इमेज ले लेते हैं। हम बताने के लिए हम कुछ भी आपको कोई भी फ़ोटो हम लगा रहे हैं, आप ऐसा ना करिएगा, आप अपनी ही फ़ोटो लगाइएगा। सेकंड नंबर पे पैन कार्ड दोस्तों, पैन कार्ड अपना लगाइएगा, उसके बाद क्रॉप करके। तीसरी नंबर पर एड्रेस प्रूफ, शॉप का दुकान का एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो तीनों आपके पिक्चर्स यानी डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर शो करने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों चेक बॉक्स पर अपन क्लिक कर देना है, आप भी ऐसा कीजिएगा। जैसे आप चेक बॉक्स क्लिक करेंगे उसके बाद वन टाइम पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, उसको रिसेंड करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा, ओटीपी डालकर सबमिट कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।